Hello students, in today's video we are going to solve back exercise questions. First is choose and write the correct answer. First is dash is needed for making electric wire. Options are aluminium, pure copper, iron filings, impure copper. Answer will be pure copper. प्योर कॉपर इज नीडेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर. आपको पता होना चाहिए प्योर कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. दैट्स वाई इट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर. सेकेंड इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज. वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है? ऑप्शंस आर 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, डी नन ऑफ दीज. आंसर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. बी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट इज रिमूविंग द हस्क फ्रॉम ग्रेन बाय द फार्मर इज कॉल्ड डैश. ए फिल्ट्रेशन, बी हैंड पिकिंग, सी विनोइंग एंड डी सीविंग. क्या होना चाहिए? फार्मर्स हस्क को ग्रेन से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वो है विनोइंग. सी इज करेक्ट आंसर. फोर अ मिक्सचर ऑफ टी लीव्स एंड आयरन फिलिंग्स कैन बी सेपरेटेड बाय. किसका मिक्सचर है? टी लीव्स और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर है. उनको सेपरेट करना है. आप इसमें कौन सी प्रोसेस को यूज करेंगे? ऑप्शंस आर मैग्नेट, सीविंग, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन. आंसर विल बी मैग्नेट. बिकॉज बेटे इस मिक्सचर में टी लीव्स एंड आयरन फिलिंग्स है. आयरन फिलिंग्स के पास अगर हम मैग्नेट लेके आएंगे तो ये सारे आयरन फिलिंग्स मैग्नेट से क्लिंग कर जाएंगे. इस तरीके से हम टी लीव्स को उसके आयरन पार्टिकल से अलग कर सकते हैं. फिफ्थ इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय. किसका मिक्सचर है? सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है. कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय. तो हमें पता है कि अगर हमारे पास सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है तो एक तो सिंपल सी प्रोसेस है, हम फिल्टर करके मीन्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड. मतलब इसके अलावा, फिल्ट्रेशन के अलावा ऐसा कौन सा मेथड है जिसको यूज करके हम इस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा? सी सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन. सबसे पहले हम इस मिक्सचर को क्या करेंगे? सेटल डाउन होने देंगे. सारा सैंड सेडिमेंट के फॉर्म में बॉटम में जाकर कलेक्ट हो जाएगा एंड देन डीकेंटेशन प्रोसेस से हम पूरे वाटर को वहाँ से सेपरेट कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. प्रोसेस डैश प्रोसेस इज वाइडली यूज इन डेरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. डेरीज में मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया जाता है? आंसर विल बी सेंट्रीफ्यूगेशन. बी ऑप्शन इज करेक्ट. सेवन डैश इज सॉल्युबल इन वाटर. ऑप्शंस आर चॉक पाउडर, सैंड, शुगर, टेलकम पाउडर. इनमें से कौन वाटर में सॉल्युबल है? आंसर विल बी शुगर. शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ डैश इज यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स. आपको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसको फार्मर्स यूज करते हैं ग्रेन से उनके हस्क को सेपरेट करने में. आंसर विल बी विनोइंग. सेकेंड इज पार्टिकल्स ऑफ डैश फ्रॉम अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय मैग्नेट. मैग्नेट की प्रोसेस मीन्स मैग्नेटिक सेपरेशन किस मिक्सचर के लिए यूज करते हैं? जिसमें एक कॉम्पोनेंट आयरन हो. तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ आयरन फ्रॉम अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय अ मैग्नेट. थर्ड इज डैश इज अ कोएगुलेटिंग एजेंट. इन कौन सा ऐसा एजेंट है
जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन को बढ़ा देता है, उस एजेंट को कोएगुलेटिंग एजेंट कहते हैं। आंसर विल बी एलम, जिसको हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं। फोर्थ इज डैश इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आएगा। फिफ्थ इज टू कॉमन फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड आर, आपको क्या करना है, वैसे फिजिकल मेथड का नाम बताना है जिसमें सॉलिड एंड सॉलिड के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट इज विनोइंग एंड सेकेंड इज हैंड पिकिंग, तो यहाँ क्या आएगा, विनोइंग आएगा एंड सेकेंड मेथड जो होगा वो होगा हैंड पिकिंग। सिक्स इज डैश इज द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट डिजोल्व सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, यहाँ पे देखिए आपको फोकस करना होगा, आपको अटेंशन देना होगा, यहाँ पे डिजोल्व सॉलिड है मीन्स वो लिक्विड में डिजोल्व हो चुका है एंड इस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है, तो इसके लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, इवापोरेशन टेक्निक यूज करेंगे, क्लियर। सेवन इज सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन मैटर इज कॉल्ड, वैसे सब्सटेंस जो मैटर में डिजोल्व हो जाते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, आंसर क्या होगा, सॉल्यूट, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बेटे ये जो सी पोर्शन है ना, इसका मैच द फॉलोइंग, ये आपको एज अ होमवर्क करना है, ओके, थैंक यू।